हाय स्टूडेंट, लास्ट क्लास मु बेसिक कहि द्विघात समीकरण जार जनरल फॉर्मूला थिला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आज आम कही समीकरण को समाधान कर आम दुईट मूल पाते जहाँ को अल्फा बीटा कही। ठीक अच्छे, आम आज प्रथम आप्रोच देखा जो द्विघात समीकरण को समाधान किपर कर। आम उत्पादकीकरण पढ़ीजे, आम से पढ़वानी, आम ये पढ़ा पूर्ण वर्गरे परिणत करी समाधान। फास्ट आप्रोच लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान किपर कर। क्वेश्चन थ्रो रे स्टेप वाइज बुझेदेवी, बहुत इजी अच्छी, किंतु ये जेहेतु पूर्ण वर्ग कथा अच्छी, पूर्ण वर्गर अर्थ अर्थ तो हूँ मुझे यठार चार सपोज एठार सपोज मु संख्या लिख ली चार, यह पूर्ण वर्ग संख्या कि। ठीक अच्छे, जदि पूर्ण वर्ग अर्थात हूँ वर्ग अर्थात दुई, पूर्ण वर्ग अर्थात आम ये संख्या को एपरी दुईटा संख्या रे लेखिबा बा गुणिबा ताको जेंति से चार हो। उदाहरण टू इंटु टू, दुई को दुई थर गुणले कौन हो चार, तेणु चार एठार गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। मुझे कह मन कर ट्वेंटी फाइव एक पूर्ण वर्ग संख्या कि, हाँ ये हूँ फाइव इंटु फाइव रही आमको एवं वर्ग आ वर्गमूल है, वर्ग अर्थात हूँ गोटे संख्या को तुम टू टाइम्स गुणव दुई थर तक गुणिले वर्ग। ठीक अच्छे, से संख्या जो तार मूल संख्या को पहुँचा चाहूँ ताको आम कहे वर्गमूल। जस्ट लाइक तुम क्लास एट रे वर्गमूल बाहर करवा शिखी थो बड़ बड़ संख्यार सब। सपोज मुझे कह फोर्टी नाइन वर्गमूल के वर्गमूल को आम जेनराली रुट ओवर बोली कहू। ठीक अच्छे, फोर्टी नाइन रुट ओवर था लिखे कौन सेवेन इंटू सेवेन, तो आंसर हो जाए कौन खाली सेवेन। बुझे ना, तो कौन दुईटा वार्ड रुईटा संख्यार डिजिट रो गुणन हेले से संख्या पाक पहुँचुचे आम कहे वर्ग मूल। ये थी हूँ वर्ग वर्गमूल कनसेप्ट। आउ गोटे कनसेप्ट आम फ्रिक्वेन्टली यूज करवा गोटे हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, जोटा हूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आउ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट एठी प्लस आउ एठी माइनस, जो माने भी भूली जाइछ इतना प्राय समस्त मन रखा पड़ो। ये चैप्टर रे यही दुईटा फर्मूला फास्ट जो आप्रोच आम पढ़ा पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान कर, यही दुईटा आप्रोच रे यही दुईटा फर्मूलार आम एप्लिकेसन शिखा जेकोसी गोटे फर्माट को आम किप ए प्लस बी होल स्क्वायर आ माइनस बी होल स्क्वायर कन्वर्ट करपर। जदि तुम कन्वर्ट करदे तुम्हें 80% क्वेश्चन सल्व, बास खाली तुमको काल्कुलेसन ध्यान देवार अच्छे। ठीक अच्छे, मुझे एक्जामपल थ्रो रे बुझेबि पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान करवा किपर हुए। देख ए पे देख एठार पे मुझे गोटे समीकरण द्वारा बुझेबी प्रकृत समीकरण को आम समाधान किपर कर। देख यही समीकरण एक द्विघात समीकरण कि मु द्विघात समीकरण जनरल इक्वेशन कहीदेगी केमी का था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बा जो समीकरण घात दुई थी एक द्विघात समीकरण। तो एठार जो समीकरण टी अच्छी यह द्विघात समीकरण कि, हाँ कारण एठी मध्य एक्स घात दुई अच्छी, बुझे हो कि ना। तो जदि यही दुईट इक्वेशन को मुझे कंपेयर करी तेल एठार ए के अच्छी सिक्स, बी के अच्छी इलेवेन, एवं ध्रुव पद सी के अच्छी प्लस थ्री, बुझे हो कि ना। देख पे दस टी क्वेश्चन मुझे बुझेदेवी तार मूल्य किसी ना, गोटे क्वेश्चन जमीका बुझे मुझे दस टी क्वेश्चन सेमती का बुझेबी, कारण यार गोटे ही फर्माट। तुमको स्टेप फास्ट भल कि लक्ष्य कर, सहीटा को आउ थे आम एनालाइज करवा, आउ गोटे क्वेश्चन करवा। मुझे नंबर अफ क्वेश्चन अधिक करदे मान ना कि पूर्ण वर्ग परिणत किसी चेंज आस। देख बही दुईटा आप्रोच अच्छे समाधान करने। ठीक अच्छे, मुझे आप्रोच करूँ भावुँ से समस्त इजी लगे, बहुत इजी स्टेप अच्छी, तो मुझे गोटे आप्रोच शिखेबी। दुईटा आप्रोच प्राक्ट कर तुम दुईटे कन्फ्यूजन स्टार्ट हम। ठीक अच्छे, तुम गोटे आप्रोच नियो सेकेंड, जदि यही आप्रोच तुमको भल लगू ना तो जनइब सेकेंड आप्रोच बुक्स भी अच्छी, आप्रोच पाखापी सामान अच्छी, कि मत यही आप्रोच बहुत इजी लगे समस्त को, आटेप तुम से मन ही रख। बुझे देख फास्ट आप्रोच बा फास्ट स्टेप रोज तुम स्टेप वन, तुम्हें प्रथम स्टेप मुझे कहली एठार ए के अच्छी सिक्स ना, ए के अच्छी सिक्स, ये सिक्स था सेवेन था एट था से आम मतलब ना, यही जगार जी थी ए जगार जी थी
आमे ताकू चाहिबा डिलीट करिया उड़ेबा पई एठारे जेंति से रहिबो नाही अर्थात केवल रहिबो कि एठी केवल केवल एक्स स्क्वायर रखिया आमे ट्राई करिबा। तो जदि एठी सिक्स अच्छी मु चाहू छी सिक्स को एठा रखिबी नाही ताले प्रथम काम कोन रहिबो प्रथम काम पूरा समीकरण रे उभय साइड आमे कोन एठी हरण कर दबा सिक्स हरण करिबा बुझौ छी नाही। फर्स्ट स्टेप कोन चाहिबो ताले आकू तमे चाहिबो डिलीट करिया पई जेंति से नंबर टी रहिबो नाही अर्थात मु फर्स्ट स्टेप रे कोन करू छी एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय सिक्स इक्वल टू जीरो बाय सिक्स ए लिखिबो उभय पार्श्वरे जस्ट लिखिली उभय पार्श्वरे सिक्स भाग कले ठीक अच्छे आउ ए स्टेप बहुत इजी देखो ताप जो सरी थी सिक्स थी तो कौन हो समस्ते इंडिविजुअली डिवाइड हो जाए सिक्स एक्स स्क्वायर बाय सिक्स तेल कौन सिक्स सिक्स कटो रही है जस्ट एक्स स्क्वायर से भाया इलेवेन बाय सिक्स एक्स प्लस थ्री बाय सिक्स इक्वाल टू जीरो बुझे ना जस्ट आपको सल्व कले तुम यही दुटा स्टेप परीक्षा किसी करा दरकार नहीं तुम डायरेक्टली लिखिपार ये स्टेपटा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन बाय सिक्स एक्स प्लस थ्री बाय सिक्स केत तीन के तीन तीन दुनिया छः ये वन बै टू इक्वाल टू जीरो अर्थात मुझे मझी स्टेपटा खाली यही लिखी तुम्हें बुझा दरकार प्रकृत में कौन कली बुझेगा स्टेप वन कौन ये सिक्स था बोली सिक्स डिवाइड कली टू थी टू डिवाइड कर था जी थ्री था थ्री डिवाइड कर था जस्ट ए बा एक्स स्क्वायर सहक जहाँ थी ताकू डिवाइड कर सी इक्वेशन ताको बाहर करदेव बुझेगा ये स्टेप वन। स्टेप टू रे देखो यहाँ एक्स स्क्वायर इलेवेन बाय सिक्स एक्स ध्रुवक पद जोटा अच्छी ताकू इक्वेशन डाण साइड की नहीं बुझे कौन कर एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन बाय सिक्स एक्स इक्वाल टू प्लस हाफ राइट साइड को ले माइनस हाफ बुझे अप्रोच कौन कली सेकेंड स्टेप जस्ट ध्रुव पद बा सी को मुझे डाण साइड को नहींगली बुझे मुझे लिखिपारि ध्रुव पद को डाण को आनली डाण को अणा जाओ एबे इक्वेशन सॉल्व करिया क्वाइट इजी बस केवल आम फॉर्मूला को मुझे कही जो फॉर्मूला को आने को ट्राए करी भल कि फास्ट लक्ष्य कर तापर बुझीज देख मुझे ये एक्स स्क्वायर को यह लिखिपारि कि एक्स स्क्वायर ठीक अच्छे मुझे सब चाहिए ये जो सूत्र फॉर्मूला टी अच्छी एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन बाय सिक्स एक्स आउ किसी क्वेश्चन तुम पाइब एक्स स्क्वायर ना माइनस थी बुझे तुम्हें यहीटा हो स्क्वायर आउ ए टर्मटा हो टू ए बी भल कि बुझे कि ना एट यहाँ ए स्क्वायर आईटा हो टू ए बी फॉर्मेट रे तुम रखा ट्राए कर बुझे मुझे लिखिली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मुझे टू ए बी टू ए लिखी मुझे जान ना ए स्पेस रखिली बी स्पेस रखिली तापर किए रही प्लस बी स्क्वायर आ बी मो पाखे ना भल कि लक्ष्य कर देख ये ए जगार के एक्स अच्छी ए जगार के एक्स अच्छी मुझे कहूँ यही मझी फर्माटा रही है टू ए बी फर्माट्रे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एम रुहे ना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यार रुहे ना कौन यार कौन हो जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर ताल देखो ए स्क्वायर ए जगार किए अच्छी एक्स स्क्वायर ये ठीक अच्छे टू ए बी ए तो ए जगार के एक्स रण ए जगार एक्स अच्छी बुझे आई जगार के रखी सेटा तुमको चिंता करने को पड़ो बुझे टू ए बी टर्म टी टू ए बी टर्म टी के इलेवेन बै सिक्स एक्स ताकि तुमको मुझे देख एम तुम कर प्राक्ट कले आजी हम देख मो टोटाल दरकार टू ए बी इक्वाल टू इलेवेन बै सिक्स एक्स दरकार मत कि टू अच्छी मुझे जानी ए मुझारी एक्स इक्वाल टू इंटु बी इक्वाल टू के इलेवेन बै सिक्स एक्स 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 कटिगले दैट इम्प्लाइज बी इक्वाल टू इलेवेन बै सिक्स इंटु टू आस इंटु होते इलेवेन बै टुवेल्व तो बी के मिलेगा मत ये इलेवेन बै टुवेल्व आप्रोच बुझेगा केमी कली ताल एठार मुझे जो बी थी बी जार के लिखिपारि इलेवेन बै टुवेल्व इलेवेन बै टुवेल्व मुझे लिखिपारि मुझे किसी एक्स्ट्रा जिनस करनी भल कि लक्ष्य कर जदि ये टू रे तुम काटिदेव सिक्स होलेवेन बै सिक्स एक्स नुआ टर्म किसी एडिशनाल लिखिपारि ना ताकू जस्ट
स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मेट रे सजेली बुझौछि स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस देखो एबे स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बी जगह केते अछि 11 बाय 12 तो तार स्क्वायर हे जीवो 11 बार बाय 12 रो होल स्क्वायर ठीक अछि। अच्छा देखो ए टर्म टा इक्वेशन थिला कि ना तुम्हें मन को लिखिछ कारण तुम ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मेट को आनिबा को चाहौ छ जेहेतु तुम ये टर्मटा निजे लिखिच प्लस ये ना तुम सेमित कर ना मन इच्छा लिखिद कि भी तो जेहेतु प्लस ये बालान्स करने मुझे कौन कली माइनस 11 बाय 12 होल स्क्वायर आउ गोटे लिखी हेले ये इंडिविजुअली कट हे इक्वल टू के माइनस हाफ बुझे ये स्टेप आ देखा ना अब तर पलिआस तो कौन हो गला देख भल भाव में ये है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कार सूत्र ए प्लस बी रो होल स्क्वायर तो ए प्लस बी ए जगह किए अच्छी एक्स बी जगह के 11 बाय 12 रो होल स्क्वायर ठीक अच्छे एतिक रखिली मुझे गोटे साइड इक्वल टू एटी थी के माइनस हाफ ये माइनस 11 बाय 12 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड थी तुम राइट साइड नहीं जाओ बुझे बिले एबे देखो आपको जस्ट सल्व कर माइनस 1 बाय 2 प्लस 11 बाय 12 होल स्क्वायर अर्थात 11 रो स्क्वायर हो 121 12 रो स्क्वायर 144 30 पर्यंत प्रैक्टिस कर दियो बहुत इजी हम फास्ट हम क्वेश्चन करने दैट इम्प्लाइज एवं मुझे लिखिपर ना एक्स प्लस 11 बाय 12 रो होल स्क्वायर इक्वल टू एटा को सल्व कर लस आगे आसो 2 आ 144 आस 144 144 हरण 2 हम 72 माइनस 1 ये हूँ माइनस 72 प्लस 144 144 डिवाइड करले 1 इंटू 121 ताले ये कहते आसो 49 बाय 144 बुझीगला सल्व कली तो दैट इम्प्लाइज देखो ये होल स्क्वायर अच्छी तो होल स्क्वायर टा जत्ते बड़े राइट साइड जीवो कौन ही जीवो 49 बाय 144 रो रूट ओवर लास्ट क्लास मुझे रूट फाइव सरी रूट 25 एर आंसर के प्लस माइनस 5 खाली 5 लिखिदेव ना तो ये कौन आस रूट रूट बाहर दुईटा आंसर आस प्लस माइनस 49 49 रूट ओवर हो 7 49 रो आ 144 हो 12 ताले आम ये सल्यूशन पाईगले कौन एक्स प्लस 11 बाय 12 इक्वाल टू प्लस माइनस 7 बाय 12 ठीक अच्छे थे आपको इक्वाल कर प्लस सहित तो, गोटे आंसर आउ थे पाइबा माइनस सहित तो, आगे सल्यूशन देखी दिवर आउ थे मुझे रिकल करदेवि देखो मुझे कौन कली थे प्लस 7 बाय 12 आउ थे माइनस 7 बाय 12 जस्ट सल्व करो ताले एक्स इक्वालिटी आसो 7 बाय 12 ए प्लस राइट साइड माइनस 11 बाय 12 आपको सल्व कले आसो 12 7 माइनस 11 इक्वाल टू माइनस 4 बाय 12 इक्वाल टू कत हो चार के चार चार 12 आंसर आस माइनस तो एक्स थे आसा माइनस 1 बाय 3 जस्ट एमती सल्व करा एक्स इक्वाल आस माइनस 7 बाय 12 प्लस टा आसने माइनस 11 बाय 12 यहाँ इजी आसो सल्व करने तो ये माइनस 7 माइनस 11 इक्वाल टू माइनस 18 बाय 12 सिक्स काटले कैसे देखो सिक्स काटले सिक्स टू जा टू 12 सिक्स थ्री जा 18 ताले एक्स इक्वाल टू माइनस 3 बाय 2 यही पार्ट को सहज है मुझे स्पीड कहली एम किसी असुविधा हेना ये तुमको शिखा पड़ो कौन ना होल स्क्वायर फॉर्मेट को आने केमी कौन कले ठीक अच्छे आउ थे मूल रिकॉल करवा देख फास्ट दुईटा स्टेप इजी जस्ट ये सिक्स डिवाइड कर फॉर्मेट को आनली सेकेंड स्टेप रे सी टर्म को राइट साइड नहीं गली तापर जो टर्मटा मिली मत यहीटा को आउ थे बुझाऊँ ठीक अच्छे जदि कहार डाउट अच्छे मुझे यहीटा को आउ गोटे पेज रे नहीं बुझाऊँ तुम भले कि बुझ यहीटा किभली तुम ए स्क्वायर प्लस टू ए फॉर्मेट रे आनिबो बुझाऊँ ना देख देखो इक्वेशन टा एभला थिला एक्स स्क्वायर प्लस 11 बाय 6 एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 तुमको खाली एया स्टेप थी मन रखा मुझे कि इक्वेशन टा देख ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी जदि माइनस था स्क्वायर माइनस 2 ए बी बुझे तुमको ये यही फर्मुला सब ध्यान देवा पड़ो कौन ना मुझे जस्ट तुम कहली ए प्लस बी होल स्क्वायर टा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहीटा जो अच्छी ए स्क्वायर ऑलरेडी फॉर्मेट रे अच्छी आईटा तुम देखो 2 ए बी प्लस 2 ए बी हो माइनस 2 ए बी जदि माइनस 2 ए बी ताले फॉर्मूला जस्ट चेंज हो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जदि प्लस 2 ए बी ताले ए प्लस बी होल स्क्वायर बस आउ किसी फरक ना तो यहीटा को फास्ट लिखिली एक्स रो स्क्वायर प्लस यहीटा को भाव कमी 2 ए बी ए जगार अच्छी एक्स
बी जगह रे एमिती कौन लिखी ताकि से 11/6 एक्स को सैटिस्फाई भी करू थो। एठी टू अच्छी ना ऊपर साइड के दरकार मत 11, तो एमती एमती किसी नंबर अच्छे कि टू रे 11 आसो ना कारण अड्टा संख्याटा ना, तो ये कौन करी से इलेवेन था लबर से इलेवेन था हर को जस्ट जदि मु 12 करदेवि देख 2 6 कटिगला 11/6 आसला एति तुमको मोर बुझेगा था। तो टू ए बी जगार किए अच्छी 11/12, तो ताकूस कौन कर प्लस कर सी ए प्लस बी होल स्क्वायर भी प्लस बी स्क्वायर हुए, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी प्लस बी स्क्वायर हुए, तो ताकू एड कली तो एड कल तो से मन इच्छा मुझे एड करी ना मुझे चाहूँगी सूत्र पकड़ाई से बालान्स करने मुझे कौन कली पुणी से पुणी माइनस कर दिली कौन माइनस 11/12 होल स्क्वायर बुझे इक्वल टू के अच्छे माइनस 1/2। नेक्स्ट स्टेप यही पार्टा को टोटाली राइट साइड हो यहीटा हो कौन एवं एक्स प्लस 11/12 होल स्क्वायर कौन पाई है कारण ए अच्छी एक्स जगह आउ बी अच्छी 11/12 जगह बुझेगला आप समस्त ये थिला हूँ पूर्ण वर्ग में पॉइंट कर समाधान करवा एक्सरसाइज क्वेश्चन जोटा अच्छी 4 नंबर आई थिंक अच्छे बोलते पूर्ण वर्ग में पॉइंट कर समाधान कर सीटा समस्ते प्राक्ट करदेव ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्लास देखा दीघात सूत्र प्रयोग करें किपर पूर्ण वर्गर समाधान सरी मैंने दीघात समीकरण समाधान कर। थैंक यू।